स्कर्दू स्कर्दू स्कर्दू। तो दोस्तों, आज के सफ़र में मैंने स्कर्दू को एक्सप्लोर करना है। स्कर्दू में मौजूद पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन कोल्ड डेजर्ट और शिगर वैली को एक्सप्लोर करना है। तो मेरे साथ रहें, आज आपको अपना इस सफ़र दिखाता हूँ। स्कर्दू में मेरे साथ जो सबसे बड़ी बैड लक हुई वो ये है कि स्कर्दू में मुझे बाइक रेंट पे नहीं मिली, जिसकी वजह से फिर मैं लिफ्ट्स वगैरह लेके शंगरीला रिज़ॉर्ट तक गया और शंगरीला रिज़ॉर्ट से फिर आगे मुझे कुछ दोस्त मिले कोयटा से आए हुए थे, जो कि जिनके साथ मैंने फिर अपना आगे का सफ़र शुरू किया शिगर वैली का। तो सफ़र मुलाहजा फरमाइए। दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं वसीम भाई जैसे। ये मुझे स्कर्दू जाते हुए गाड़ी में मिले थे और इन्होंने अपने घर आने का मुझे इनविटेशन दिया, और जितने दिन मैं स्कर्दू में रहा हूँ मैं इनके घर ही रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका वसीम भाई। स्कर्दू मेन बाज़ार से 20 मिनट की ड्राइव के बाद हम लोग फाइनली बाबे शिगर पे पहुँचे, जहाँ से पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट का व्यू आता है। इस तरह कुछ तस्वीरें वीडियोस बनाई और फिर आगे अपना शिगर फोर्ट की तरफ सफ़र जारी किया। इस वक्त हम लोग शिगर फोर्ट की तरफ जा रहे हैं, तो आगे आपको सारे दिखाते हैं शिगर फोर्ट के। अंदर एंटर होने के बाद दिखाते हैं भाईजान। इस वक्त शिगर फोर्ट के आगे पहुंचे हैं हम, तो वो कह रहे हैं शिगर फोर्ट बंद है, टूरिज्म बंद है इधर कोरोना की वजह से। तो बाकी अब हम आगे यहाँ पे एक लेक है, उधर जा रहे हैं, उधर के आपको सारे सीन दिखा सकते हैं। शिगर फोर्ट तो हम लोग कोरोना की वजह से ना देख सके, मगर कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पे एक लेक मौजूद है जिसे ब्लाइंड लेक के नाम से जाना जाता है। आप लोग वो देखें, वो काफ़ी अच्छी लेक है। तो हमने अपना सफ़र उसकी तरफ जारी किया इन पहाड़ों में एंजॉय करते हुए। शिगर वैली से 40 मिनट की ड्राइव के बाद हम लोग फाइनली ब्लाइंड लेक पे पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त मैं ब्लाइंड लेक पे खड़ा हूँ। ये शिगर के अंदर मौजूद है, शिगर से जो स्कर्दू को रोड जाता है उसके दरमियान में मौजूद है। तो माशाल्लाह बड़ी प्यारी लेक है, आप लेक दिखाएं जरा सारी। बाकी माशाल्लाह बहुत प्यारी लेक है, अब आगे हम चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। तो जनाब, अगले एपिसोड में मैंने स्कर्दू की तारीखी फोर्ट खारपोचो फोर्ट को एक्सप्लोर करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।